डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज ने कोतवाली बिलारी का निरीक्षण करते हुए क्षेत्र के सभी चौकीदारों को बैटरी और लाल साफा देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके द्वारा थाने के कंप्यूटर रूम क्षेत्र में लगे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और रजिस्टर और मैगजीन से लेकर सभी शस्त्रों का निरीक्षण किया गया। डीआईजी कोतवाली बिलारी की व्यवस्थाएं देखकर काफी खुश हुए और कोतवाली में तैनात कोतवाली प्रभारी से लेकर सभी पुलिस कर्मियों और दरोगाओं की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। उनके द्वारा बताया गया कि कोतवाली में साफ सफाई से लेकर कागजी कार्रवाई और सीसीटीवी कैमरे से लेकर सभी व्यवस्थाएं कोतवाली में दुरुस्त देखी गई। जनपद मुरादाबाद में थाना बिलारी का रूरल थाना का आज वार्षिक इंस्पेक्शन है, उसके लिए मैं आया हूँ। यहाँ पे आके पूरा थाना परिसर का मैंने भ्रमण किया हूँ। थाना परिसर में जो साफ सफाई है बहुत अच्छी मिली है और जो थाना पर खड़ी हुई है जो माल मुकदमाती है जो वाहन है उसका रख रखेल भी अच्छी है। उसका सबका नंबर्स वगैरह सब ठीक ठाक रखा, उन्हें क्रेडिट नंबर वगैरह लगाया है, उसका सब मिलान करके चेक करेंगे। और मैंने निर्देश दिया है जो भी MA8 का जो सीज व्हीकल है उसका वादी का पता करके उसका जल्दी जल्दी डिस्पोजल करने के लिए, और बाकी माल मुकदमा आती है उसका भी हम कोर्ट का ऑर्डर निकाल के उसके भी डिस्पोज करने के लिए निर्देश दिया है। उसके साथ साथ जो थाना परिसर का जो बाकी की शाखा है, जो थाना कार्यालय और महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, ये सब चीज़ जन सुनवाई का सब चेक कराया, सबसे रजिस्टर वगैरह चेक किया है, महिला हेल्प डेस्क का रजिस्टर अपडेट किया है, सभी उन्होंने अच्छी तरीके डिस्पोजल है, उनका मैक्सिमम 100% उन्होंने डिस्पोजल करके रखा है और उनको लगातार फीडबैक भी ले रहा है इन लोग। उसी तरह का साइबर हेल्प डेस्क का भी मैंने चेक किया, यहाँ पे जो साइबर हेल्प डेस्क में भी अच्छी तरीके लोग का जो भी आ रहा है उनका सभी का इन लोग सुन रहा है, उनका भी कई शिकायत दर्ज हुआ है। उसके जो कंप्लेंट आया था उनका जो कितना भी पैसा का जो फ्रॉड हुआ था उस पर कई अमाउंट उन्होंने वापस करवाया और कुछ अमाउंट अभी बचे उसके जल्दी से जल्दी वाले से बात करके रिलीज़ करने के लिए आज कराया गया मैंने। और ओवरऑल बाकी थाना का जो GP स्टोर से बाकी रजिस्टर्स वगैरह भी मैंने चेक किया, वो सभी अपडेट मिल रही है। अब बाकी अभी कुछ